हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुभाषावाद, जिसे मल्टीलिंगुअलिज्म भी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। बहुभाषावाद एक से अधिक भाषाओं को बोलने, समझने, पढ़ने और लिखने की क्षमता है। यह व्यक्तिगत या सामाजिक क्षमता हो सकती है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि कोई व्यक्ति या समुदाय एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है या नहीं। बहुभाषावाद को विभिन्न प्रकारों से में बांटा जा सकता है, जैसे योगात्मक या घटावशील, मतलब एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव, संतुलित या प्रभुत्वशाली, बैलेंस्ड या डोमिनेंट, अनुक्रमिक जिसे सिक्वेंशियल कहते हैं, या युगपत, मतलब साथ साथ, साइमल्टेनियस। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि भाषाओं को कैसे ग्रहण किया जाए और उपयोग करने के साथ महत्व दिया जाए। भाषा संचार या अधिगम और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक शक्तिशाली माध्यम है भाषा, जो है जिससे हम संचार कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं। हमारी लर्निंग या अधिगम भाषा के जरिए होती है, और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के लिए भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं। यह मानव विकास और पहचान का एक प्रमुख आस्पेक्ट है, पहलू है। भारत जैसे विविध और बहुभाषी देश में शिक्षा के लिए भाषा का उल्लेखनीय स्थान है, और चुनौतियां भी है। शिक्षा में बहुभाषावाद का बहुत महत्व है। संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए भाषा का बहुत महत्व है। एक से अधिक भाषा सीखने से मस्तिष्क के कार्यों जैसे स्मृति, ध्यान, समस्या समाधान और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। यह मेटल अवेयरनेस या बहुभाषा जागरूकता में भी सुधार कर सकता है, जो भाषा की संरचनाओं और नियमों पर गंभीरता से मनन करने और उनका प्रयोग कर सकने की क्षमता होती है। सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देता है। विभिन्न भाषाओं को सीखने की प्रक्रिया में छात्र विभिन्न संस्कृतियों और दृष्टिकोणों से परिचित होते हैं, यह उनमें अंतर सांस्कृतिक क्षमता का विकास करता है। विविध पृष्ठभूमि के लोगों के साथ प्रभावी ढंग से और उचित रूप से बात करने की क्षमता होती है। आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 22 से अधिक भाषाओं और कई उपभाषाएं या बोलियां, जिसे रीजनल लैंग्वेज भी कहते हैं, उनका अपना अनूठा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। उसके साथ भाषा हमारी पहचान का एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है, शैक्षणिक उपलब्धि में सुधार लाता है। यह पाया गया है कि जो छात्र अपनी मातृभाषा या घर में प्रचलित भाषा में शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे स्कूल में उन छात्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जिन्हें विदेशी या अपरिचित भाषा में शिक्षण प्रदान किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि पाठ्यक्रम सामग्री तक अधिक और आसानी से आत्मविश्वास से पहुंच सकते हैं वो अपनी भाषा में जब पढ़ते हैं, और अपने कौशल और ज्ञान को अन्य भाषाओं में हस्तांतरित कर सकते हैं या स्थानांतरित कर सकते हैं। सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देता है बहुभाषावाद। कई भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि प्रत्येक बच्चे को अधिगम तक समान पहुँच और अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि उनकी भाषाई पृष्ठभूमि अलग अलग होने से उन्हें अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त होती है, जिससे कि उन्हें समझने और जानने में सहूलियत होती है। यह अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले लोगों के बीच अपनेपन और पहचान की भावना को भी बढ़ावा देता है तथा भेदभाव को कम करता है। बहुभाषी शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करने का उपाय। बहुभाषी शिक्षा और शिक्षार्थियों और समुदायों की भाषाई वास्तविकताओं और आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिए। इसे संवैधानिक प्रावधानों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के त्रिभाषा फॉर्मूले का भी सम्मान होना चाहिए। बहुभाषी शिक्षा का आरंभ शिक्षा के माध्यम के रूप में शिक्षार्थियों की मातृभाषा या घरेलू भाषा से होना चाहिए, फिर धीरे धीरे अन्य भाषाओं को विषय या शिक्षा के अतिरिक्त माध्यम के रूप में पेश किया जाना चाहिए। भाषाओं का शिक्षा शास्त्र। बहुभाषी शिक्षा के तहत शिक्षार्थी केंद्रित तथा परस्पर संवादात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और
भाषा, जिससे कि भाषा के प्रति जागरूकता और दक्षता को बढ़ावा मिले। इससे शिक्षार्थियों के बीच क्रॉस लिंग्विस्टिक ट्रांसफर या हस्तांतरण और बहु साक्षरता कौशल को भी बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा इसमें सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक और संदर्भ आधारित उपयुक्त सामग्रियों एवं विधियों का उपयोग होता है, जो भाषाओं और संस्कृतियों की विविधता और समृद्धियों को दिखाता है।